कितना माताओं बहनों का के बिना सहयोग के बिना तो कार्य होता ही नहीं है। जितना भी सहयोग भाई बंद करते हैं उससे ज्यादा माताएं बहनें करती हैं। हमारे सुवाणी में 8 मंडलियां हैं। मैं सभी से बणिया बोला सुन गईया मेरी बात भीतर से वो बणिया बोला सुन गईया आत मेरे छापन भोजन त्यार तुम पेट खा लो न मेरे छापन। हमारी मातृशक्ति सभी को मेरा सादर प्रणाम है। जय श्री राम है, जय श्री कृष्णा। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। आप सभी माताएं बहनें जो इतने बढ़िया तल्लीन होकर के श्री राम जी के भजन कर रही हैं, मैं आपको दंडवत होकर प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि परमपिता परमात्मा आप सभी लोगों की मंगल कामनाएं पूर्ण करे। ऐसा मेरा प्रभु जी में विश्वास है कि जो भगवान के नाम देते हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, उनको कभी भी दुख नहीं आता। आप 8 मंडलियां जी हमारी शिवानी नगर में, 8 मंडलियों में ये हमारी दूसरी मंडली है। पहली मंडली आपसे मिलवाई थी पार्क में। तो हमारी शारदा बहन है, हमारी भाभी श्री संतोष जी हैं, हमारे सुदेश जी हैं और हमारी मासी सुंदरी हैं और बहुत सारे, मैं सभी को जानता हूँ। बाकी आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आप इसी प्रकार से, क्योंकि आज का युग है कलयुग, कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे जो भाई बंद हैं वो दुकान में चले जाते हैं, परंतु उनका जो ग्रोध ग्रह दोष होता है, जो महिलाओं का ही वो काम है, किसी चीटियों को दाना डालती हैं, अपने वो डालते हैं खाट गुरा और चिड़ियों को दाना डालते हैं, तो माताओं बहनों का ये काम है और ये बखूबी निभा रही हैं। उसी के कारण आज हम पूरे भारतवर्ष में और अच्छे प्रकार से जीवन जी रहे हैं। और मैं इनको नतमस्तक होकर के बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं कि आप इसी प्रकार से धर्म सेवा में लगी रहें। और आराध्य देव श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, इन माताओं बहनों का जो आपका मंगल पाठ करती हैं, इनका दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की हो और इसी प्रकार से धर्म प्रचार होता रहे। और ये माताएं बहनी हमारी अयोध्या भी गई थी, अयोध्या जाने वाले 70 जो यात्री थे माताएं बहनों के संग, वो इनमें भी शामिल हैं। इनमें इन लोगों में सभी महिलाएं भी थी जो अयोध्या यात्रा पर गई थी। अभी हम कुछ दिनों के बाद फिर अयोध्या जाने वाले जनवरी में, और माताएं बहनें अब की बार तकलीफ नहीं होने देंगे, अब की बार बस लेके जाएंगे, बिल्कुल फ्री जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, ऐसा हमारे तरफ से हमने कर रखा है। जनवरी में आपको यात्रा कराएंगे, तब तक राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका होगा। तो सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी, आप समय समय पर जो है वो धार्मिक यात्रा लेकर के जाते हो, इसमें सहयोग कितना के मिल पाता है आपको माताओं बहनों का, मतलब कितना? माताओं बहनों का के बिना सहयोग के बिना तो कार्य होता ही नहीं है। जितना भी सहयोग भाई बंद करते हैं उससे ज़्यादा माताएं बहनें करती हैं। हमारे सुवाणी में 8 मंडलियां हैं। मैं सभी से मिलता हूं और सभी से जाकर के बात करता हूं, तो इतना उत्साहित होकर के हमारा वो समर्थन करती हैं, धर्म का प्रचार करती हैं। जब जब हम कहते हैं वहां धर्म कार्य में आगे अग्रणी रहती हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत ही बहुत दिल से स्वागत करता हूं। और इनके बिना तो जीवन अधूरा है। मातृशक्ति है, माँ सबसे बड़ी होती है। तो अब एक कार्यक्रम है कि मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सभी माताओं का दुपट्टा उगा करके सम्मान करना चाहता हूं। और हमारी माताएं जो हमारी भाभी श्री राजबाला जी हैं, शकुंतला जी हैं, ये दुपट्टा उगा करके माताओं बहनों का स्वागत करेंगी। और इसी के साथ एक जयकारा लगा दें, बोल श्यामले रामचंद्र भगवान की जय, करे वीर बजरंगी। तो हमारे साथ हमारे निशांत जी बजरंग दल का काम देख रहे हैं, बहुत ही जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि बहुत ये गौओं की सेवा करते हैं। जब भी इनको फ़ोन कर देता हूँ रात को 2 बजे, तो ये रात को 2 बजे भी ट्रक के पीछे लग जाते हैं और पुलिस को भेजवा करके वो गौओं की हम रक्षा करते हैं और उनको हम गौशाला में, फिर ऐसे बहुत बार हुआ है। और अभी निशांत जी को हमने पटना भेजा था, जो कोई महिला हमारी लड़की थी हमारे वहाँ हिसार से, उनको लेकर के भी भाई साहब आए हैं
और वहाँ का संगठन का भी हमें बहुत ही सहयोग मिला बजरंग दल का। तो मैं मेरे साथी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भगवान इसकी उम्र लंबी करे, इसी प्रकार से धर्म सेवा करते रहे। और श्यामा रामचंद्र की गौ माता की सनातन धर्म की धर्म की जय हो। ऐ धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना। ये हैं हमारे मातृशक्ति के, शिवानी मातृशक्ति के महिला मंडल, जो कि मंदिर में हर रोज अपनी मधुर आवाज में भगवान का गुणगान करती हैं। इन माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति से ही बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।